हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में जानेंगे कि पाइथन के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे अपनी कमांड्स को लिख सकते हैं और उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. वंस यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट. जैसे ही आप पाइथन को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हो, ओके, तो उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हो. यू कैन वर्क इन पाइथन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज. आप पाइथन में इन डिफरेंट तरीकों से काम कर सकते हैं. फर्स्ट इज इन इंटरेक्टिव मोड, ऑल्सो कॉल्ड इमीडिएट मोड. एक इसका मोड होता है इंटरेक्टिव मोड, ओके, एंड सेकेंड मोड इज स्क्रिप्ट मोड, राइट. अगर आपके पास पाइथन है तो आपको आइडल मिलेगा, ठीक है, पाइथन आइडल. आप उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम पाइथन आइडल पे वर्क करते हैं, राइट. तो जो ये आपका इंटरफेस अभी आया है वो कौन सा इंटरफेस है? वो है इंटरेक्टिव इंटरफेस, राइट. पाइथन का इंटरेक्टिव इंटरफेस है, राइट, ओके. और जो यहाँ पे ये साइन दिए हुए हैं, ओके, इनको कहा जाता है प्रॉम्प्ट. इंटरेक्टिव इंटरफेस में आप प्रॉम्प्ट के आगे, इन फ्रंट ऑफ प्रॉम्प्ट, आप अपने कमांड्स को लिखते हैं, ठीक है. और इसको इंटरेक्टिव क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी कमांड आप लिखते हो वन बाय वन, वो एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट मिलता रहता है. जैसे मैंने यहाँ पे 3+3 लिखा, मेरे को 6 मिल गया रिजल्ट तभी के तभी, राइट. मैंने यहाँ पे लिखा 4/2, आपको रिजल्ट मिल गया, राइट. आप अपनी कमांड्स वन बाय वन लिखते हो, एट द सेम टाइम वो एग्जीक्यूट होके आपके पास रिजल्ट आ जाता है, राइट, ओके. इसलिए इस मोड को इंटरेक्टिव मोड कहा जाता है, राइट. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं कुछ भी प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैंने लिखा प्रिंट हेलो, राइट, तो ये आपको यहाँ पे प्रिंट होके आ गया. तो दिस मोड इज़ द इंटरेक्टिव मोड, राइट, ओके. द इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल, राइट. तो जो पाइथन शेल है वो इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर है. वो आपको जैसे ही आप कमांड लिखते हो वैसे ही आपको उसका रिजल्ट शो कर देता है. वो आपके साथ फुल इंटरेक्शन कर रहा है, राइट. लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको जो जितनी भी कमांड्स है एक पर्टिकुलर फाइल की फॉर्म में मिल जाए जिसको आप सेव कर सको फॉर द लेटर यूज़, फाइन, तो आप कौन सा मोड यूज़ करोगे? आप स्क्रिप्ट मोड यूज़ करोगे. आप ओके, स्क्रिप्ट मोड यूज़ करने के लिए क्लिक ऑन द फाइल एंड देन न्यू फाइल, ओके. अब यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल आप क्रिएट कर सकते हो और उसको आप सेव कर सकते हो. इंटरेक्टिव मोड में आपने जो कुछ भी लिखा है वो सेव नहीं होगा, बट स्क्रिप्ट मोड में अगर आप फाइल्स बनाते हो, प्रोग्राम्स बनाते हो, उसको आप सेव कर सकते हो फॉर लेटर यूज़. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक छोटा सा हम फाइल बना लेते हैं प्रोग्राम, ओके, इंट इनपुट एंटर नंबर 1, राइट, नम 2, ओहो आपने इसको यहाँ पे क्लोज करना था, ठीक है, नम 2 इंट इनपुट एंटर नंबर 2, फाइन. सम दे देते हैं हम लोग, सम नम 1 प्लस नम 2, ओके, एंड देन प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स इज सम, राइट. आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे. कंट्रोल एस किया मैंने, आ गया. कोई भी नेम दे दो, यहाँ पे मैंने दे दिया F1, F2 दे देते हैं, राइट. आपने F2 दे दिया, अब या तो आप F5 प्रेस कर दो, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ रन में जाके रन कर सकते हो. देखो आपका आ गया है एंटर नंबर 1, आपने कोई भी नंबर दे दिया 20, नंबर 2 10, सो दिस इज़ योर सम, ओके. तो हियर वी हैव टू मोड्स, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड. इंटरेक्टिव मोड में आप 1-1 कमांड लिखते जाओगे और आपको रिजल्ट मिलता जाएगा, साथ के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो, ओके. एंड स्क्रिप्ट मोड में आप फाइल बना के उसको सेव कर सकते हो फॉर लेटर यूज़. Okay everyone, if you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.